हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी रेसिपी है पाव भाजी। तो फ्रेंड्स, पाव भाजी बनाने के लिए मैं किन किन सब्ज़ियों का इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पाव भाजी बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ फूल गोभी के फूल, जो कि मैंने बड़े फूल गोभी से दो तीन फूल मैंने निकाल लिए, और तीन से चार साइज़ के मैंने बड़े टमाटर लिए हैं, और मैंने मीडियम साइज़ के दो आलू लिए हैं, स्प्रिंग अनियन मैंने दो लिए हैं जिसे हम पत्ता प्याज भी कहते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ बीन्स लिए हैं, और ये एक मीडियम साइज़ का गाजर, एक कैप्सिकम और कुछ मटर के दाने मैंने लिए हैं, और दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे लिए हैं, और एक इंच अदरक का टुकड़ा यहाँ पे मैंने लिया है, और कुछ लहसुन की कलियाँ मैंने पानी में भिगा के रखी हैं जो कि मैं जिन्हें बाद में छील लूँगी। तो ये लहसुन की कलियाँ हैं, और इन सब्ज़ियों को मैं वॉश करके मैंने रखा है, बस इनको रफली मैं चॉप करूँगी। बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रेशर कुक में अच्छे से पक जाएंगी, तो मैं यहाँ पे इनको रफली चॉप कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, उसको मैंने एक जो प्याज जो है मैंने प्रेशर कुकर में कट करके डाल दिया है, और एक को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तीन टमाटर मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिए हैं, और एक को मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च के साथ, आधी शिमला मिर्च के साथ मैंने रफली बारीक चॉप कर लिया है, और कुछ मटर के दाने आधे मैंने बॉइलिंग में डाल दिए हैं और आधे मैंने रख लिए हैं, और ये कुछ धनिया पत्ती के पत्ते जो कि मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैंने चॉप करके रखे हैं, और ये अमूल बटर और ये तेल मैं छौंक में इस्तेमाल करूँगी, और पाव भाजी मसाला यहाँ पे मैंने एवरेस्ट का रखा है, और एवरेस्ट का ही कश्मीरी लाल मिर्च जो है मैं इस्तेमाल करूँगी। मैं पहले कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, तीखा मैं बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मेरी बेटी के लिए भी मैं बना रही हूँ, वो तीखा नहीं खाती है, तो तीखा जो है मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है बॉइलिंग के लिए मैंने रख दी है प्रेशर कुकर में, और यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया था इनमें, जिनसे कि सब्ज़ियाँ जल्दी कुक हो जाएंगी। तो एक तरफ सब्ज़ियाँ मेरी पक रही हैं, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है जो कि गर्म होने के लिए। इसमें मैं अब एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें बटर डाला है, और एक बड़ा चम्मच मैंने इसमें रिफाइन ऑयल डाला है। तो जब ये गर्म हो जाएगा, बटर मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी जो कि मैंने बारीक चॉप करके रखे थे। तो यहाँ पे मैंने बारीक चॉप किए हुए अनियन जो है, प्याज जो है मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मैं तब तक पकाऊँगी कि जब तक कि वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए प्याज। तो इस तरीके से मैं प्याज को जो है सेक लूँगी। तो ये धीरे धीरे बटर में जब सिकते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इनकी। तो जब ये प्याज जो है सिक जाएंगे, तो इसमें मैं दो बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का एक चम्मच, और दो बड़े चम्मच मैं ऐड करूँगी आपका पाव भाजी मसाला, इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, प्याज सिकने में हल्के हल्के ब्राउन होने में आ गए हैं। तो जब हम कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करते हैं उसी टाइम पे हम चाहते हैं तो तीखी लाल मिर्च भी मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी, लेकिन आप लोग ऐड कर सकते हैं। मेरी बेटी के लिए मैं अलग करके फिर बाद में मैं डबल तड़का लगा के मैं तीखा ऐड करूँगी, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इस पॉइंट पे भी जब हम कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं तब तीखा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो बड़े चम्मच जो है पाव भाजी मसाले का डाल दिया है। तो ये मंदी मंदी आँच पे, सिम पे मैं इसको भून लूँगी। तेज़ पे नहीं भुनना है, नहीं तो मसाला जल जाएगा। तो यहाँ पे सिम पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च भी इसी में डालूँगी, वो भी मैं सिम पे ही भूनूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी पाव भाजी मसाला मैंने भून लिया है, अब ये कश्मीरी लाल मिर्च जैसे कि मैंने बताया था, इसको भी सिम पे ही, तेज़ पे नहीं भुनना है, नहीं तो मिर्च जो है जल जाएगी, जिससे कि पाव भाजी का रंग जो है ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मसालों को भून रही हूँ, और ये मसाले भुनने के बाद मैंने जो टमाटर और कैप्सिकम चॉप करके रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और मटर भी मैं इसमें डाल दूँगी, और इनको मैं भूनूँगी जब तक कि थोड़ा सा
तेल जो है सेपरेट ना हो जाए, तेल और बटर जो हमने डाला था वो अलग हो जाएगा मसाले भुनने के बाद। तो यहाँ पे मैंने जो है मटर भी ऐड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा अभी मैंने न्यू व्लॉगिंग शुरू की है कुकिंग की, और कभी कभी मैं ब्यूटी से रिलेटेड वीडियो भी बनाती हूँ। तो ये मेरी रेसिपी आज मैंने पाव भाजी की शेयर की है। तो मेरे चैनल को आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। मुझे एंकरेज करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और कोई कमेंट हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे मेरी रेसिपीज़ के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये मसाले जो हैं भुन चुके हैं, तेल अलग हो चुका है, और दूसरे साइड में मेरी सब्ज़ी भी पक रही है, पक चुकी है, ये ऑलरेडी इसमें सीटी आ चुकी है। तो ये सब्ज़ी जो बॉयल हो चुकी है, मसाले भी मेरे पक चुके हैं। प्रेशर कुकर का जो है गैस मैंने फ्लेम जो है मैंने बंद कर दिया है, और ये ठंडा होने पर देखिए मैंने जो है इसको खोल लिया है, स्टीम पूरी तरीके से निकल गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर का लिड जो है खोला था। तो ये जो है मेरे पास मैशर नहीं है, तो जो दाल घोटनी जिसे हम कहते हैं वुडन की जो आती है उसी से मैं इसको मैश करूँगी। जिस तरीके से हम दाल को घोटते हैं उसी तरीके से मैं इसको इस तरीके से देखिए मैंने पूरा अच्छे से मैश कर लिया है। तो जो मेरा तड़का मैंने तैयार करके रखा था वहाँ पे अब ये सब्ज़ी को मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो ज़्यादा मुझे नहीं पकाना है इसको, क्योंकि ऑलरेडी मेरा मसाला भी पका हुआ है और सब्ज़ियाँ भी अच्छे से बॉयल है। तो बस ये एक उबाल आने तक मैं इसको पकाऊंगी, और पकने के बाद मैं अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा अलग करके फिर इसमें मैं है डबल तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा रंग इसका आया है, थोड़े थोड़े इसमें मटर के दाने दिख रहे हैं, तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो जब चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं खाने की, तो देखने पहले बोलते हैं ना भूख देखकर ही लगती है, तो जब देखने में अच्छी लगती है तो उसे खाने का मन करता है। तो जब देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी फिर वो स्वाद लगती है। तो ये देखिए मेरी जो है पाव भाजी रेडी हो चुकी है, मैंने बेटी के लिए सेपरेट कर लिया है। डबल तड़का लगाने के लिए मैंने तड़का पैन में एक चम्मच घी लिया, और घी गर्म होने पर मैंने आधा जो है टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें जो है मिर्च, तीखी मिर्च मैंने इसमें डाल दी। इस तरीके से भी आप तीखा इसमें ऐड कर सकते हैं जिनके घर में बच्चे होते हैं, या आप ऐसे नॉर्मली भी आप डबल तड़का लगा के कोई दाल या कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो उसका टेस्ट जो है दुगना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की रेसिपी थी पाव भाजी की, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको पसंद आई तो आप इसे बना के ज़रूर देखिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छी बनती है ये सब्ज़ी, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है। और अगर आप चाहते हैं तो इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, खटाई अगर आपको कम लगे तो। मैंने टेस्ट किया था तो खटाई मतलब इसका मसाला जो है परफेक्ट था, इसलिए मैंने इसमें लेमन ऐड नहीं किया। अगर आप चाहते हैं तो इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खट्टा कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो बस इसमें गार्निशिंग के लिए धनिया मैं डालूंगी, और मेरी पाव भाजी जो है बनके रेडी है। तो आप लोग फ्रेंड्स देखिए मैंने किस तरीके से ये बनाई है, मेरी पाव भाजी बन चुकी है। बहुत ही झटपट बनती है, क्योंकि नॉर्मली सब्ज़ी जो है बारीक चॉप करने में ही टाइम लगता है, तो मैंने रफली चॉप की, प्रेशर कुकर में बॉयल किया और तड़का लगाया, और झटपट पाव भाजी जो है मेरी बनके तैयार हो गई। मार्केट में जो मिलती है उससे भी कहीं ज़्यादा ये डिलीशियस बनती है। इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखिए बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसको नींबू और कच्चे प्याज के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब मेरी पाव भाजी रेडी हो चुकी है, अब मैं पाव के साथ गर्मा गर्म इसे सर्व करूँगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैं पाव सेक रही हूँ, तो ये मेरे पाव सेक रहे हैं और गर्मा गर्म इसे एंजॉय करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कॉमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये मेरी रेडी पाव भाजी देखिए मैंने इस तरीके से सर्व की थी, तो आप भी इसे एंजॉय कीजिए।